राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, एआईसीसी के सचिव विवेक बंसल साहब, प्रदेश की सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायक महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, साथियों, अभी आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, विवेक भाई ने अपनी बात को रखा। राजीव गांधी जी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने साल भर तक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस मुख्यालय पर जो प्रदर्शनी लगी है वो भी आप सब अब देखेंगे। इसके बाद राजीव जी के बारे में बहुत कुछ बोला विवेक बंसल जी ने, अशोक गहलोत जी ने, और उनके प्रधानमंत्री वाले कार्यकाल पर सब लोगों ने प्रकाश डाला और आप सब ने उनकी बातों को सुना। क्योंकि हम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हैं, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा ध्यान उस समय पर दें जब संगठन के लिए राजीव जी ने क्या किया और कैसे किया। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना बहुमत किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं था, और जो उन्होंने नियम बनाए, संविधान में सकारात्मक संशोधन किया, उस सब का विवरण आप लोगों ने सुना। लेकिन 89 का चुनाव, जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, फिर भी राजीव जी ने कहा कि जनादेश मेरे खिलाफ है, मैं सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करूंगा, और विपक्ष में बैठने का उन्होंने निर्णय लिया। उस समय जो लोग आज आपस में देखते भी नहीं हैं राजीव गांधी जी सत्ता के बाहर कैसे रहे, उस समय जनता दल, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी सब इकट्ठे हुए और सरकार बनाई। लेकिन राजीव जी ने सत्ता छोड़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जान भरने के लिए देश भर भ्रमण किया। हमें याद है कि जब वो रास्ते पर निकले तो ट्रेन में सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के डब्बों में बैठकर आम यात्रियों के साथ उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, प्रदेश और देश के हर एक क्षेत्र में गए, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन संगठन की जो ताकत है वही हमारे लिए सबसे कीमती है और सर्वोप्रिय है। राजीव गांधी जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार अच्छे काम करे, लेकिन जब तक संगठन उसको कंधा देकर उन बातों को, उन प्रयासों को जनता तक नहीं पहुंचाता, तब तक ना तो संगठन के हित में है, ना जनहित में है, ना सरकार के हित में है। सरकारें बनती हैं संगठन की ताकतों से, और संगठन को मजबूत करना, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, यह हम सबका एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत रहे, आगे भी बनेंगे, लेकिन 400 से अधिक सांसद होने के बावजूद भी जो नजरिया उनका रहा एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए व्यक्ति, एक इंसान के बदौलत जिन्होंने काम किया, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा उस समय वाजपेयी जी विपक्ष में थे और बीमार पड़ गए थे। राजीव गांधी जी ने टेलीफोन कर वाजपेयी साहब को कहा कि मुझे खबर मिली है कि आप अस्वस्थ हैं, आपको उपचार की जरूरत है और अमेरिका में, विदेश में इसका बेहतर ऑपरेशन, इलाज हो सकता है। तो उन्होंने उनको अमेरिका भेजा, महीना डेढ़ महीना वहां पर रहे, अपना उपचार कराया, और वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी जी की कृपा दिखती थी। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन नेतृत्व की क्षमता वो है, नेतृत्व उसको मानते हैं जिसका दिल बड़ा हो, जो विरोधियों को साथ ले सके, आलोचकों की प्रशंसा कर सके,
सरल भाव से अगर अपने काम में कहीं त्रुटि हो उसको स्वीकार करने की ताकत अगर किसी में होती है वही विराट वृक्ष वाला नेतृत्व कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री बनना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। आप कल्पना करो जो व्यक्ति कभी सरकार का भाग ना रहा हो, कभी मंत्री ना रहा हो, मुख्यमंत्री ना रहा हो, प्रशासन की जानकारी ना हो, अचानक उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए और इतना बहुमत, जब बहुमत ज्यादा आता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मेरे ख्याल 40 या 42 साल की उम्र के जब प्रधानमंत्री बने 400 सांसद पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई थी कि अब इनको बहुत कुछ कर दिखाना पड़ेगा, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। फिर भी उन्होंने जो काम किए इन 5 सालों के अंदर, और 5 साल का समय बहुत लंबा समय नहीं होता, 5 साल का समय बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन 5 सालों में जनहित को देखते हुए साइंटिफिक टेम्परमेंट नौजवानों में कैसे पैदा करें, वो सही बात है, वोट देने की ताकत भी दी है, राजनीति में प्रेरित करने का काम भी किया है, लेकिन नई पीढ़ी की सोच को प्रभावित करें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस प्रकार की सोच की जरूरत है, वो स्कूल और कॉलेजों में वार्ता में चर्चा में वातावरण के अंदर निर्मित करने का काम उन्होंने किया। लोग प्रेरणा लेते थे, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो पहले भी हुए थे, लेकिन उनको लोग समझते थे कि ऐसा व्यक्ति है जो एक नई शुरुआत करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति है जो अगर हमने खुद में कमी भी है हमारी पार्टी हमारी सरकार में, उस कमी को ढूंढकर पहले स्वीकार करने की ताकत उनके अंदर थी और फिर सुधारने की क्षमता उनके अंदर थी। ऐसे व्यक्तित्व को आज याद करने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आज 75 साल की उनकी जन्म शताब्दी के समय पर उनके समय चुनौतियां कम नहीं रही, आतंकवाद पनप रहा था, श्रीलंका में IPKF की फोर्स उन्होंने वहां भेजी और उसी के कारण उनको अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन एक कठोर निर्णय लेना पड़ा था, वो लिया, चाहे असम अकॉर्ड हो, चाहे बोडो अकॉर्ड हो, चाहे पंजाब में आतंकवाद से निपटने का काम हो, इन सारी चुनौतियों का सामना किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज जो स्पेस प्रोग्राम हम लोगों का है, सुपर कंप्यूटर जो हम लोग आज बहुत प्रख्यात है भारत में, टेक्नोलॉजी IT का जो प्रचंड चर्चा होती है, जो प्रचार होता है, उसकी नींव तब रखी गई थी। लेकिन ये बात भी सच है कि हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कैसे काम करने के बाद जनता तक वो संदेश जा सके। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कैसे जोधपुर में प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी, मैं समझता हूं एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को राजस्थान में भी मुख्यमंत्री महोदय कभी कभी MLA की बात सुन के बिना DPR के घोषणा कर देनी चाहिए एकाध बार, ताकि काम हम लोग भी काम करने की घोषणाएं करा दें जैसे राजीव जी ने एक समय किया था। क्योंकि काम करने का अगर संकल्प, अगर काम करने की ताकत हो तो सब काम संभव है। पैसे का अंजाम भी होगा, बजट एलोकेशन भी होंगे, प्लानिंग भी हो जाएगी, लेकिन जनता तक सत्ता की कलम की शाही जनता तक पहुंचे, सीधा उनके उम्मीदों पर हम खरा उतरे। और बार बार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, शायद कोई ऐसा कांग्रेसजन होगा जिन्होंने उनके व्यक्तित्व से, उनके मिलनसार बात करने के तरीके से प्रेरणा ना ली, जो उनसे मिल लेता था 2-5 मिनट के लिए वो हमेशा कायम रहता था। लेकिन जो 91 में उनकी हत्या हुई, जिस वर्ष उनकी हत्या हुई, जो व्यक्ति उस वर्ष पैदा हुआ था जब 28 साल का हो गया है, वो ना कभी उनसे मिला होगा ना कभी देखा होगा, और आजकल मीडिया में जो प्रभाव है वहां कहां कांग्रेस के नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को यहां मौका मिलता है। लेकिन ये काम जैसा मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे हम लोगों का काम है, और मुझे खुशी है कि इस प्रकार प्रदेश सरकार ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साल भर का कार्यक्रम रखा है। परसों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है राजीव जी की याद में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, आप सबको सूचनाएं मिली हैं, मैं अनुरोध करूंगा अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान के हम सब लोग वहां पर पहुंचे ताकि राजीव गांधी जी की याद में जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसको और व्यापक रूप दे सकें। इंदिरा गांधी स्टेडियम, साथियों, राजीव गांधी जी ने कांग्रेस को बहुत ताकत दी, लेकिन राजीव जी को भी ताकत कांग्रेस संगठन ने दी। इतनी बड़ी घटना हुई इंदिरा जी की हत्या होने के बाद,
एक मां की हत्या होने के बाद, एक प्रधानमंत्री की हत्या होने के बाद आसान नहीं होता किसी व्यक्ति को दोबारा संभलना, अपने पैरों पर खड़े होना, और तब जबकि पूरा देश और दुनिया आपको देख रहा हो। उस समय मैं मानता हूं कि कांग्रेसियों ने एक परिवार के रूप में राजीव गांधी जी को हिम्मत और ताकत दी, और इसीलिए पूरी पार्टी को अपना परिवार मानते थे। आज वही भावना हम लोगों को पैदा करनी है। जिन लोगों ने संघर्ष किया हमारे साथ, जिन लोगों के सुख और दुख के पल हम लोगों ने बांटे हैं, जिनके आंसू और पसीने हम लोगों ने पहुंचे हैं, उस कार्यकर्ता को एक परिवार का सदस्य की भावना पैदा करना हम सब लोगों का सामूहिक नेतृत्व है। संगठन के लोग मेहनत करें, मशक्कत करें, पार्टी को हम सत्ता में लेकर आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को सिर्फ कहने से नहीं, उनको लगना चाहिए कि वो भागीदार हैं। और यही इन्होंने राजीव जी ने अपने काम में दिखाया। जहां भी जाते थे, जिस प्रोग्राम में सरकारी कार्यक्रम आयोजन होता था, वहां हमेशा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, पार्टी का पदाधिकारी, उसकी उसको जो तवज्जो मिलती थी वही उसका पुरस्कार, वही उसका इनाम है। ये भावना उनकी थी। और आज हम सब लोगों को मिलकर इसी संदेश को आगे पहुंचाना है। देश बदलता है, समाज बदलता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते कि हम जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव हो। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी संगठन है वो इंसानों से बना है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन गलती स्वीकार करना एक बड़े व्यक्तित्व का परिचय है। गलती को स्वीकार करें, कहीं त्रुटि है उसको सुधार कर आगे बढ़ें, और जनता भी इस बात को मानती है। हम ये कहें कि हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हमसे गलती हो ही नहीं सकती, हम में हम सर्वगुण संपन्न हैं, इस प्रकार का एक आउटलुक होना नहीं चाहिए। और यही शालीनता, विनम्रता, स्वीकार करने की ताकत राजीव जी ने हम सबको प्रेरणा दी थी। एक नई शताब्दी की नींव रखी, संगठन को मजबूत किया, 5 साल के कार्यकाल में अनेकों ऐसे कानून बनाए जिसका आज लाभ करोड़ों लोग ले रहे हैं, गांव में, देहात में, शहरों में। सत्ता को लोग समेटना चाहते हैं, राजीव जी ने उसका डिसिमिनेशन किया था, विनिग्रहण किया था, ताकि लोग भागीदार बन सकें। गांव में हैंडपंप कहां लगेगा, कुआं कहां खुदेगा, सड़क कहां बनेगी, इसका निर्णय जयपुर दिल्ली में ना हो, खुद गांव के अंदर हो। ये सोच कांग्रेस और राजीव गांधी जी की उस समय थी, और उसी रास्ते पर हम लोगों को चलना है। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं राजस्थान के कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं। आज हम लोग सत्ता में, इस प्रदेश के अंदर अनेकों राज्यों में हम विपक्ष में हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव आएंगे, महाराष्ट्र के आएंगे, झारखंड के आएंगे, दिल्ली के आएंगे। तो आज हमारा दायित्व है कि पूरे देश भर में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें, और हमें जो ताकत यहां से मिलेगी सत्ता के माध्यम से, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाएं, राजीव जी को याद भी करें। लेकिन राजीव जी ने जो कहा, उनके जो भाषण थे 1985 में बंबई में, उन्होंने जो भाषण दिया था और कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर कैसे लोग हो सकते हैं जो दलाली का काम करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो उनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि संगठन को सुधारने का काम अंदर से होगा, बाहर से आकर कोई आपको सुधारने वाला नहीं है। अगर संगठन में कमी है, अगर हम में कुछ कमी है, तो हमें आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि काम करने में कमी है, बोलने में कमी है, मिलने में कमी है, लोगों को संतुष्ट करने में कमी है, वो चर्चा हो, संवाद हो, और अगर निष्कर्ष निकलता है कि हाँ हमें सुधारने की जरूरत है तो सुधारना चाहिए। अगर 1985 में 425 सांसद होने के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होकर इस बात को कह सकते हैं तो हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। समय बदला है, समय के बदलाव को समझना चाहिए। लोगों की जो आकांक्षाएं, नई पीढ़ी की उम्मीद हम लोगों से है, उसका स्मरण कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन अगर हम सब एकजुट रहे, अगर हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे और जमीन पर कर दिखाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जनता ने पहले आशीर्वाद दिया था पुनः और बार बार कांग्रेस पार्टी को जनता आशीर्वाद देती रहेगी। मैं सभी साथियों को दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां पर पधारे, लेकिन आज से लेकर अगले 1 साल तक हमें उन मुद्दों को, उन सिद्धांतों को प्रचार करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को दोबारा सिंचित कर इतना विशाल बनाना पड़ेगा कि देश भर में दोबारा कांग्रेस पार्टी का वो जनाधार हो जो पहले हुआ करता था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसके लिए तैयार हैं, और अंत में जीत हमारी होगी। राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ये संदेश लेकर जाए। आज राजीव जी को याद करते हुए मैं पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि याद में आप सब यहां पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सब चैनल होते भी शांति बना रहे हो और सद्भावना पूर्वक
संगोष्ठी को सुने, आत्मसात करने का प्रयास करें, हम सबके लिए बेहद आवश्यक है।